राजधानी देहरादून में लाला मनसाराम ने बनाई गई कॉनट प्लेस बिल्डिंग की 14 दुकानों को खाली करवा दिया गया है, जिसके चलते प्रशासन की टीम एलआईसी के अधिकारियों के साथ मौके पर मौजूद रही। इस दौरान व्यापारी और प्रशासन की टीम में आपस में कई देर तक मंथन हुआ, जिसके बाद व्यापारियों ने ये मांग की गई कि अगर कोई कागज एलआईसी के अधिकारियों के पास है तो उन्हें व्यापारियों को दिखाया जाए ताकि वे लोग अपनी संतुष्टि कर सकें। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। आज हमें जो पोजीशन लेना है वो 18 सॉक्स का पोजीशन लेना है, जिसको हम अभी प्रक्रिया जारी है और उसका पोजीशन ले रहे हैं। अभी हमारे पास जो ऑर्डर है 18 दुकानों का है, जो एलआईसी द्वारा जो है पोजीशन लेना है, वो 18 दुकान का हम आज पोजीशन लेंगे। नहीं नहीं, हमारे पास ऑर्डर है, आपके पास अगर जो ऐसी बात है तो आप किसी भी ऑर्डर के खिलाफ क्या कहीं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट किसी भी आपने क्या स्टे लिया है उस पर, या किसी प्रकार का आपके पास कोई ऑर्डर है? जिस तरह से दुकानदारों का कहना है कि एक ही गोदाम का जो है ऑर्डर आया है, लेकिन बाकी दुकानों को क्यों छेड़ा जा रहा है? नहीं, इस संबंध में जो जवाब देंगे वो एलआईसी देगी।